अमृतसर पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर जी के दिशा निर्देशों से नशे के खिलाफ छेड़ी गई मुहिम के तहत सीआईए स्टाफ की पुलिस को वड्डी कामयाबी हासिल हुई है। इस मौके पर मीडिया जानकारी देते हुए एडीसीपी 3 श्री अभिमन्यु राणा ने दसिया कि सीआईए 3 अमृतसर की टीम वालों नाकेबंदी दौरान चैकिंग से मोटरसाइकिल सवार 2 नौजवान मेजर सिंह और कालू जो कि सगे भरा दसे गए हैं उन्होंने रणजीत एवन्यू अमृतसर नेड़ों तो काबू करके इन्हों के कोलों 400 ग्राम हेरोइन 2 मोटरसाइकिल से इन्हों को 2 फोन भी बरामद किए गए हैं। पुलिस अधिकारी ने दसिया कि मुंडली पुछगिछ में पता लग्या है कि यह पाकिस्तान के संबंध रखते हैं तो उतों ही तस्करों के कोलों ये हेरोइन मंगवाते सन। इस बारे पूरी जांच की जा रही है ये किस किस के नाल होर संबंध इन्हों बने हुए हैं। पुलिस अधिकारी ने यह भी कहा कि इन्होंने 2 साथी फिलहाल फरार हैं और जल्द ही उन्होंने काबू कर लिया जाएगा। उन्होंने दसिया कि इन्हों मानयोग अदालत में पेश करके इन्हों का रिमांड हासिल किया जाएगा और पता लगाया जाएगा ये हेरोइन किस सप्लाई करते हैं। इन्हां दे फारवर्ड ते बैकवर्ड लिंक पता करके बंदी कार्रवाई अमल भी लिया जाएगी। गुरप्रीत भुल्लर सिंह दिशा निर्देश अनुसार सीआईए 3 इंस्पैक्टर बिंदर जी की टीम एक वड्डी कामयाबी हासिल हुई है। इन्होंने 2 बंदे मेजर सिंह अते कालू जिहड़े कि पिंड चढ़तेवाल थाने नाले दे रहने वाले हैं इन्हों रणजीत वैनी तो गिरफ्तार करके इन्हों पासों 400 ग्राम हीरोइन जिहड़ी कि रिकवर की है। इस केस दे विच बैकवर्ड लिंकेज 2 नाम होर आए ने जिन्हें सीआईए 3 की टीम काम कर रही है तो इन्होंने भी जल्द से जल्द गिरफ्तार करके सानू होर वड्डी मात्रा च रिकवरी होने की उम्मीद है। सर रणजीत एवेन्यू की डिलीवर कर रहे थे कि नाकाबंदी करके फड़े ये नाकाबंदी करके फड़े हैं। नाकाबंदी दौरान ये फड़ी गई है जिमें कि तुहानू पता है कि शहर के विच वड्डी मात्रा से अपनी पुलिस फोर्स तैनात है नाकाबंदी की हुई है तो चैकिंग की जा रही है। उसी दौरान सीआईए 3 की टीम का भी एक नाका उत्थे लाया गया सीगा ते उस दौरान इन्होंने शक के बिना इन्हों रोका गया इन्हों ने भजन की कोशिश की इन्होंने पासों जी 400 ग्राम हेरोइन बरामद की गई है। सर पता लगा कितने लैके जा रहे थे कितों लैके आए ये आगे फॉरवर्ड लिंकेज इन्होंने खंगाल रहे हैं इन्हों बैकवर्ड लिंकेज का पता लग गया है। ये चढ़तेवाल पिंड के ही 2 दोषी ने एक मौके तो फरार हो गया सीगा करण ते एक बंदा होर है गुरमीत जिहड़े कि ड्रोन राही समान मंगा के अगे डिलीवर करते हैं तो ये उसी कंसाइनमेंट का एक पार्ट सीगा एक आगे कितने डिलीवर कर जा रहे थे इन्हों का रिमांड लैके इन्हों को कोशिश की जा रही है। हाँ जी पाकिस्तान तो ही हीरोइन आँदी है ड्रोन राही पाकिस्तान के कई स्मगलरों के नाम वो हजे आपां इन्हां दे फोन दी टेक्निकल से चल रही है नहीं, मैं ऐप कहना चाहना हां कि जिन्ना तरन तरन विच फड़े गए तां उह वी पाकिस्तान दे इक्को ही 2-4 स्मगलर दे ही नाम जिहड़े वांटे ने इन्हां दे जिहड़े कनैक्शन हैगे ने इह कनैक्शन हले भी नैटवर्क अपना जा रहे ने इन्ना इन्ना आपां मजबूती दे बावजूद आपां सुरक्षा तंत्र देखो जी आपां आए दिन रिकवरियां करदे रहिंदे आ बंदे भी फड़े जांदे आ सारा कुछ हो रहा है तो ये भी जोड़े भी कोई बैकवर्ड लिंकेज के नाम आने जिन्होंने बिग फिश आप कह दें उन्होंने भी गिरफ्तार किया जाएगा तो उन्होंने पास हो रिकवरी भी सूँ होने की उम्मीद है। हाँ जी हजे वो चल रहा है कि बई इन्होंने पिछले होर कि बंद ने यह 2 हजे गिरफ्तार किए हैं तो 2 दोषी होर नामजद किए हैं। सर इन को पूछगिछ की गई है जी? हाँ जी पूछगिछ की गई है ताइए 2 नाम निकल के आए हैं ते और भी इन्हां जिहड़े फोन है उन्हां दी टेक्निकल एनालिसिस की जा रही है कि भी होर इन्हां दे किहड़े किहड़े बंदे नाल संबंध ने। सर बॉर्डर दे नाल लगदे जिहड़े सामने आए ने ये ये चढ़तेवाल पिंड जिहड़ा है बॉर्डर दे नाल ही है ये उत्थे अज नाले थाने दे विच पैंदा वा ते उत्थों ही ये मंगवांदे सीगे अगे अपने जिहड़े बॉर्डर नाल पहला भी मामला कोई दर्ज है इन्हां ते कि नवां ही नहीं इन्हां ते ये हजे हुई पर्चा रजिस्टर है। उम्र किन्नी उम्र किन्नी ते करदे की ने ਸੁਨੀਲ ਖੋਸਲਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ।